सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार सूरत की तापी नदी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। गिरफ्तार आरोपियों ने इसकी जानकारी दी थी। नदी में तलाशी अभियान के दौरान ही हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अब हथियार की जांच के लिए उसे एफएसएल को भेजी। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसमें दो आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में पुलिस ने लॉरेंस विश्नोई और उसके भाई को आरोपी बनाया है।